नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज हम आए हैं शिमला में, शिमला के रिज मैदान के पास हम खड़े हैं। और ये जो है, यहां पर आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, कुछ नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें कि वो यहां पर किस लिए खड़े हैं और किस बात की जो है यहां पर वो सरकार के आगे मांग रख रहे हैं। जैसे कि इसमें बैनर में लिखा हुआ है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल शाखा, इसमें रोजगार का भी इन्होंने एक जो है मुद्दा उठाया है। और भी कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, इसमें बात करने से ही पता चलेगा। अभी अभी हम भी यहां पर पहुंचे हैं और इनसे मालूमात करेंगे। तो सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर शिमला में बीचों बीच नारेबाजी कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनकी मुख्य मांगे क्या होंगी। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, आप कांगड़ा से यहाँ पर आए हैं ये आंदोलन के लिए। जी सर। तो आप ये बताएंगे कि ये जो आप यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं दृष्टिहीन जो आपका संघ है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? क्या आपको जरूरत पड़ी यहाँ पर जो है शिमला में बीचों बीच रिज के पास खड़े होकर ऐसे नारे लगाने की, आपकी क्या मांगे हैं और क्या इसमें सरकार कुछ सुनवाई कर पा रही है? सर, प्रमुख मांग जो हमारी पहली है, कुछ एक मांगे हैं, चार पांच हमारी, उनके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। लेकिन सबसे पहली प्रमुख मांग जो हमारी है, बैकलॉग कोटा है जो 1995 का हमारा है, लेकिन उसको सरकार ने कुछ समय पहले भरा तो था, कुछ साथी हमारे एडजस्ट हुए थे उसमें, लेकिन पूरी तरह से फिलअप सरकार ने आज तक हमारा बैकलॉग कोटा नहीं किया है। सर, ये बैकलॉग कोटा है क्या? सर, जो भी हमारी मतलब वैकेंसियाँ, एक कोटा मतलब जो हमें सरकार की तरफ से दिया गया है, एक दिव्यांगों का कोटा, जो हमारी वैकेंसियाँ हैं नौकरियाँ, ठीक है, वो उसी बैकलॉग कोटे के अंतर्गत आती है 1995 की। जी जी। तो आप यहाँ पर मुझे बताइए कितने दिन से ये जो है अपना आंदोलन आपने चलाया हुआ, कितने दिन से आप यहाँ पर आते हैं रोज? सर, 16 दिन हमें कंप्लीट हो चुके हैं और 17वें दिन में आज खड़े हैं हम। अच्छा, 17वें दिन में आप खड़े हैं, लेकिन कोई प्रशासन का कोई यहाँ पर अधिकारी आया आपकी सुध लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ना कोई शासन प्रशासन किसी भी व्यक्ति ने हमारी मांगों के ऊपर नहीं हमसे पूछा कि आप लोग रोज यहाँ पे क्यों आ रहे हो। जी, कोई नहीं आया। चलिए, ये देख रहे हैं कि आप, इन्होंने जो है ये ग्राउंड जीरो से मैं आपके साथ हूँ और खबर खास आपको ऐसी जो है दिखाता रहता है खबरें। तो इनके पास जो है सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा, कोई भी जो है यहाँ पर प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है। तो आप ये बताइए कि आप कितने दिन और ये स्ट्राइक रखने वाले हैं ऐसे, अगर जब तक आपके पास कोई नहीं आता है तो? सर, अगर कोई भी नहीं सुनता है तो हम जब तक नहीं सुनेंगे तब तक डटे रहेंगे। जी, कुछ किसी भी स्तर पे हमें जाना पड़े, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, दिल्ली चलो आंदोलन चलाना पड़े, खून बहाना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन हम तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार हमें, हमारे और बेरोजगार सभी साथियों को कहीं भी एडजस्ट करे, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं आएंगे तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और ये मुख्य मांगो, ये रोजगार के अलावा आपके पास और क्या मांगे हैं जो कि मुख्य हैं? सर, दूसरी हमारी मांग जो है वो मेडिकल, फ्रेश मेडिकल को लेकर के है, क्योंकि जब भी हमारी भर्तियाँ होती हैं तो जो रियल दृष्टिबाधित हैं वो एक्चुअली में संघर्ष वो करता है, लेकिन फ़ायदा उसका कोई और ले जाता है। सरकार ने नोटिफिकेशन तो 6 जनवरी 2022 को उसकी इशू की है, लेकिन उसको किसी विभाग में सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई सरकार आज तक। हमें जब हम सरकार से इसके बारे में बात करते हैं तो सरकार कहती है कि हमें रिपोर्ट दो, हम क्यों किसी के सामने झूठा बने? अगर सरकार नोटिफिकेशन करने में सक्षम है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने में भी सरकार की ही जिम्मेवारी है वो। जी, ये आप जो, जैसा कि मैंने सुना आपके पास जैसे ये मांगे हैं बेरोजगार की, और इसके अलावा मैंने जैसे सुना कि आपके पास रहने के लिए जगह या उसके लिए भी कुछ आप, आपके पास कोई है इशू है आपका? कैसे सर? रहने के लिए कुछ रैन बसेरा टाइप में कुछ, या कहाँ रहते हैं आप लोग? सर, हम रेम सेटर में रहते हैं, कालीवाड़ी के पास, जो SBI बैंक के पास है, SBI मेन गेट के पास जो हमारा रेम सेट है उसमें रहते हैं और 16 दिनों से वहीं पर रह रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा रहने का इंतजाम आपका कोई खास है नहीं यहाँ पर? पहले तो पहली बात तो ये की जाए कि खास कोई भी मतलब नहीं रहने का है,
लेकिन वहाँ पे भी सफाई वगैरह का नहीं, कोई भी ना तो वहाँ पे भी कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आता हमारे पास पूछने कि आप लोग कैसे रह रहे हो कैसे नहीं रह रहे हो। वो उनकी जिम्मेवारी है। जब हम आंदोलन पे बैठे नोटिस लगाया तो वो सरकार की एक जिम्मेवारी बन जाती है एक दृष्टिवादी जब आंदोलन चलाते हैं तो। जी जी शुक्रिया जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदलाल है, मैं रामपुर बिशहर से आया यहाँ पे। अच्छा, आप रामपुर से आए यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं, मतलब रामपुर में रहते हैं कि यहाँ शिमला में कहीं पे कुछ काम करते हैं? नहीं जी, हम रामपुर में रहते हैं जी। तो आपकी क्या कुछ है, आपकी भी यही मांगे हैं, आप जो है अपनी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, कुछ आप अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए हम तो यही बोलना चाहेंगे जो हमारा बेरोजगार का मुद्दा है उसको सबसे पहले पूरा किया जाए और सभी जितने हमारे पास यहाँ बेरोजगार लोग हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर मिले तब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे। अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तभी हमारा धरना समाप्त होगा, नहीं तो हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे। जी अभी कुछ कर रहे हैं आप इस दौरान, कोई नौकरी या कुछ? नहीं जी, नहीं कुछ नहीं जी, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं जी। तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम लक्की है और मैं रोडू से हूँ। अच्छा, आप रोडू से हैं, यानी कि यहाँ पर जो है अलग अलग हिस्सों से, हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं शिमला में, तो आपको भी इतने ही दिन हो गए, ये 16 दिन हो गए यहाँ पर आंदोलन करते हुए? जी जी, सभी को इतने ही दिन हो चुके हैं। कुछ बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार के लिए, क्या मांग रहेगी स्पेशली आपकी तरफ से भी? सरकार से बस हमारी एक ही मांग है, हमारे जितने भी साथी हैं सबको रोजगार मिले। आज तक सरकार आती रही जाती रही लेकिन दिव्यांगों को कभी भी किसी भी सरकार ने उनके अधिकार नहीं दिए हैं। हमारी बार बार सरकार से यही पुकार है, हमारी मांगे माने, अगर नहीं मानती है तो हम इसी तरह से जो है डटे रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं ये दृष्टिहीन लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो है यहाँ पर, ये बता रहे हैं कि पिछले ये 16 दिन से यहाँ पर जो हैं लगातार यहाँ पर रिज के पास आते हैं और यहाँ पर जो है ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है नहीं आया है इनके शुद्ध लेने के लिए कि ये रोज यहाँ पर नारे लगाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर नारे लगाते रहते हैं लेकिन इनकी शुद्ध लेने के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अभी तक 16 दिन के अंदर नहीं आया है। तो खबर खास की ये मुहिम है कि जो भी जरूरतमंद ऐसे समाज में लोग हैं उनकी जो है अनदेखी सरकार ना करें, तो कृपया हमारे भी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से और प्रशासन से जल्दी इन लोगों की जो है शुद्ध ली जाए, क्योंकि काफी दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और हिमाचल के अलग अलग प्रांत से जो है वो आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं आज जो है मौसम भी काफी बिगड़ रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है छोटी मोटी, और आगे कुछ आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर जो है और भी मौसम बिगड़ने वाला है, और इनके पास जो है यहाँ पर रैन बसेरा भी नहीं है जहाँ की ये आराम से रह सकें और अपने आंदोलन को जो है आगे बढ़ा सकें। और इनका ये कहना है कि इस आंदोलन को ये तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक इनकी मांगों को जो है पूरा ना किया जाए। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट शिमला से।